आज की कहानी है श्री कृष्ण भक्त हरिदास ठाकुर जी की कहानी। यशोहर जिले में एक छोटा सा गांव बूढ़न था। इसी गांव में एक गरीब मुस्लिम परिवार रहता था। इसी परिवार में हरिदास खान नाम का जन्म हुआ था। पूर्व जन्म के संस्कार ही थे कि बाल्यकाल से ही हरिदास की श्रद्धा हरि नाम जपने में थी। किशोर होते ही उन्होंने वैराग्य ले लिया था, गृह त्याग कर दिया और वन ग्राम के समीप जंगल में कुटी बनाकर रहने लगे। वह बड़े ही शांति प्रिय और धैर्यवान साधु थे। क्षमा उनका गुण था तो निर्भयता भी उनका आभूषण था। उनकी आवाज में बड़ा ही माधुर्य था। वे प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम का जाप करते थे। जाप भी उच्च आवाज में करते थे। किशोर ने जोर जोर से जाप करने का कारण पूछा, महाराज क्या भगवान को कम सुनाई देता है जो आप इतने उच्च स्वर में जाप करते हैं, या कोई और कारण है? भक्त, यह हरि नाम बड़ा ही अलौकिक है। इसका श्रवण मात्र ही प्राणी को इस नरक से मुक्त कर देता है। मैं इसी कारण इसका जाप उच्च स्वर में करता हूँ कि इस निर्जन वन में जितने भी जीव जंतु वातावरण में कितने ही प्रकार के अदृश्य कीट पतंगे हैं, सब इसका श्रवण करें और भव से पार हो जाएं। हरिदास जी बोले, उनकी बात से वह व्यक्ति संतुष्ट हो गया। उनकी ख्याति बढ़ती जा रही थी। कितने ही लोग उन्हें अपना आदर्श मानकर भागवत भक्त हो गए। उनकी ख्याति से कुछ लोग चिढ़ते भी थे, जिसमें रामचंद्र खान नाम का एक जमींदार था। उसने उसकी साधना और कीर्ति को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा और एक वैश्या को धन का लालच दिया। वैश्या तो धन की दीवानी थी, उसने तत्काल सहमति दे दी। रूप और सौंदर्य की साक्षात मूर्ति उस वैश्या ने श्रृंगार किया और रात्रि के समय हरिदास जी की कुटिया में पहुंच गई। वह तो भगवान की आराधना में लीन थे। उनका मनोहर रूप देखकर वैश्या उन पर आसक्त हो गई। एक तो उसका उद्देश्य भी यही था कि दूसरा हरिदास जी की तेजस्वी मुख मुद्रा से उसके मन में काम का विकार आ गया और रात भर उनके साथ कुचेष्टाएं करने का प्रयास करती रही। रात्रि भर वह वैश्या हरिदास जी की समाधि भंग करने का प्रयास करती रही, परंतु सफल ना हो सकी। प्रातःकाल होने पर चलने को तैयार हुई। देवी, हरिदास जी बोले, देवी क्षमा चाहता हूँ, समाधिस्थ होने के कारण मैं आपसे बातें ना कर सका। आप किसी प्रयोजन से आई थी? वह मुस्कुराकर चली गई। 3 रात लगातार वह अपने प्रयास में विफल रही। वह साधु किंचित मात्र भी अपने तप से डिगा नहीं था, जबकि उस वैश्या के कानों में निरंतर हरि नाम की आवाज गूंजने से उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया था। वह 4th रात्रि भी आई। हरिदास जी उस वक्त भी पूर्ण भाव से भगवत भजन में लीन थे। इतने लीन थे कि उनकी आंखों से अश्रु धारा बह रही थी। वैश्या को आत्मग्लानी हो उठी, ये साधारण साधु नहीं है। वह सोचने लगी, जो मुझ जैसी परम सुंदरी की उपस्थिति का आभास तक नहीं करता और अपनी ही धुन में लीन रहता है, तो निश्चय ही इसे किसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। अवश्य ही इसे कोई अन्य ऐसा आनंद प्राप्त है जिसके समक्ष संसार के सब रूप इसे फीके लगते हैं। वैश्या उसे पथ भ्रष्ट करने आई थी और स्वयं ही सदमार्ग पर चल पड़ी। वह इच्छाओं पर विजयी चरणों पर गिर पड़ी और अपनी अपराध क्षमा करने के लिए अश्रु श्रत स्वर में याचना करने लगी। हे पुण्य आत्मा, हे महात्मन, मुझ पापिन का उद्धार करो, मेरा अपराध क्षमा करो, मुझे अपनी शरण में ले लो। उसके प्रायश्चित भरे शब्दों से हरिदास जी ने समाधि तोड़ी। देवी, मानव जीवन मुक्ति मार्ग का एकमात्र रास्ता है। कोई इसे भोग मानकर जीता है तो कोई योग मानकर। उठो और अपने हृदय में हरि नाम धारण करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वैश्य ने तत्काल सच्चे मन से प्रभु का स्मरण किया। उसे हरिदास जी ने दीक्षित करके तपस्विनी बना दिया। उन्होंने उस स्थान को उसे ही सौंपा और स्वयं हरि नाम प्रचार करने चल पड़े। वैश्य उसी कुटिया में हरि नाम गाने लगी। यह साधु संग और हरि नाम श्रवण का प्रताप था कि वही वैश्य आगे चलकर भगवान की परम भक्त बनी। हरिदास जी वहां से चलकर शांतिपुर पहुंचे। शांतिपुर में मुस्लिम शासक था। उस धर्मांश शासक के फतवे से हिंदुओं का अपना धर्मांतरण करना कठिन हो रहा था।
ऐसे में हरिदास जी मुस्लिम होकर भी हिंदू आचरण करते हरिनाम लेते थे। कुछ मुस्लिम अधिकारियों को यह बात बुरी लगी। उन्होंने बादशाह को यह बात बड़ा चढ़ाकर बताई। बादशाह सलामत जबकि नगर में आपके हुक्मनामे से इस्लाम को सर्वव्यापी करने की मुहिम चलाई जा रही है। ऐसे में हमारा ही एक मुस्लिम फकीर हिंदू धर्म के गीत गाता फिर रहा है। इससे हमारी मुहिम पर बड़ा असर पड़ रहा है। उस फकीर को सजा ना दी गई तो हिंदू ताकतवर हो जाएगा, बगावत हो जाएगी। बादशाह ने तत्काल हरिदास जी को गिरफ्तारी का हुक्म दिया। उन्होंने पकड़कर जेल में डाल दिया। यह खबर आग की तरह हरिदास जी के भक्तों में फैली। सब बड़े दुखी हुए और ऐसे अन्यायी बादशाह की सर्वत्र भर्त्सना होने लगी। इधर हरिदास जी जेल में भी हरिनाम का जाप करते रहे। जेल के अन्य बंदी भी उनके भक्त हो गए। स्थिति काबू से बाहर होती देख अधिकारियों ने मुकदमा चलाया। उन्हें अदालत में काजी के सामने लाया गया। हरिदास, तुम बड़े भाग्य से तो मुसलमान के घर में जन्मे, फिर भी काफिरों के देवता का नाम लेते हो, उन्हीं जैसा आचरण करते हो। हम तो हिंदू के घर का पानी भी नहीं पीते। यह महापाप तुम ना करो, इसके लिए तुम्हें जहन्नुम की आग में झुलसना होगा। अब तुम कलमा पढ़ लो तो पाक हो जाओगे। हे काजी साहब इस संसार का मालिक एक है। उसकी दृष्टि में मानव की अलग अलग कौम नहीं है, हमने ही उसे बांट रखा है। उसी हरि ने प्रत्येक मानव को यह अधिकार दिया है कि वह चाहे जिस नाम से उसकी आराधना कर सकता है। अब उस अल्लाह भगवान की दृष्टि में मैं अपराधी नहीं हूँ, तो आपके अनुसार मैं अपराधी कैसे हुआ? यह अपराध है, इसकी तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। या तो तुम कलमा पढ़ो या सजा के लिए तैयार हो जाओ। काजी गुस्से से बोला, कोई किसी मानव को धर्म बदलने के लिए बाध्य नहीं करता। यह तो मानव की अपनी दृष्टि होती है कि वह किस दृष्टि से प्रभु के पास जाता है। जो भी सजा दे मुझे मंजूर है, परंतु देह के टुकड़े टुकड़े होने पर भी हरि नाम छोड़ना स्वीकार नहीं। यह काफिर है, इसे इसके गुनाह के लिए 22 बाजारों में घुमाया जाए और इसे इतने बेंत लगाए जाए कि इसकी सांसें इसका साथ छोड़ दे। क्रोध में उन्होंने सजा सुना दी। हुक्म की तामील हुई। हरिदास जी को घुमाते हुए बाजारों में बैत लगाए जाने लगे। हरि नाम में लीन उन्होंने अपने प्राण को केंद्र में स्थिर कर लिया। बेतों की मार से उनके मुख से उफ तक ना निकली। मारने वाले थक गए, परंतु पिटने वाला अड़िग रहा। चूंकि उन्होंने प्राण केंद्र में स्थिर किए हुए थे, इसलिए सिपाहियों ने उन्हें मरा जानकर गंगा में फेंक दिया। परंतु जिसके जीवन की डोर स्वयं जगन्नाथ ने पकड़ी हो, उसे कौन मार सकता है? वे भी चेतन होकर जीवित गंगा से निकल आए। अधिकारियों ने जब यह सुना तो भयभीत होकर हरिदास जी के चरण पकड़ ले और क्षमा याचना करने लगे। साधु तो क्षमाशील होते हैं। इसी समय कृष्ण रूपी स्वामी चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में हरिनाम की पावन सुधा बरसा रहे थे। हरिदास जी भी वहीं पहुंच गए और महाप्रभु के सानिध्य में हरिनाम लेते रहे। फिर महाप्रभु की आज्ञा से वे एक अन्य सन्यासी नित्यानंद जी के साथ नगर भर में हरि कीर्तन घूमने लगे। फिर वे पुरी में आ गए और वहां कुटिया बनाकर जीवन पर्यंत रहे। संत हरिदास यवन ने हरिनाम के भक्तों की संख्या असंख्य कर दी थी। कितने ही उनके शिष्य थे, वह उन भगवत भक्तों में से थे जो अपने साथ साथ समस्त मानव जाति के उद्धार में प्रयासरत रहे और अपने शत्रुओं को भी हरिनाम दीक्षा दी। जय श्री कृष्ण।